इंदौर शहर में ड्रेनेज की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं। नगर निगम ने गंभीरता से लेते हुए सभी ZO को तत्काल निर्देश जारी किए हैं कि समस्या का तुरंत निराकरण किया जाए। गौरतलब है कि नगर निगम में सिर्फ ड्रेनेज की 1000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग चल रही हैं। ऐसी को लेकर जल एवं ड्रेनेज विभाग में गुरुवार को एक बैठक आयोजित कर सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि त्योहारों से पहले शहर की इस दैनिक समस्या को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। सभी अधिकारियों की बैठक ली थी, सभी 19 जोनों के आए थे, हमारे जल यंत्रालय की बैठक थी। सभी ड्रेनेज के जो काम है, ड्रेनेज की जो सारी पेंडिंग चल रही होंगी, लगभग 1000 शिकायतें होंगी, उनके संबंध में एक बैठक रखी गई थी। उन्हें तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए। साथ में जहाँ पर प्रॉपर रेस्टोरेशन जो L&T कंपनी, राम की कंपनी और नाला टेपिंग के अंदर जो काम चल रहे होंगे, उनमें भी जो रेस्टोरेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, वहाँ पर भी हमने निर्देश दिए कि त्यौहार के पहले, अभी जो सारे त्यौहार हमारे चालू हो रहेंगे, तो उसके पहले प्रॉपर रेस्टोरेशन हो जाए। जहाँ पर भी आने जाने में कहीं दिक्कतें हो रही हैं, उनको भी ठीक करने के अभी निर्देश दिए। ये अधिक रोडों पे नाला टेपिंग का काम हुआ है, या अभी आनंद चतुर्थी आ रही है, इसके लिए भी कोई अधिकारियों को निर्देश दिए क्या? हाँ, ये बैठक इसीलिए रखी गई थी कि सभी झोलों पर जहाँ पर हमारे काम चल रहे होंगे, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे पानी की लाइन का काम हो, इन सब जगह पर जहाँ पर रेस्टोरेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, वहाँ पर रेस्टोरेशन के लिए निर्देशित किया है कि इनको तत्काल में 8 दिन के अंदर ठीक कराए।